मीनूज किचनेट में आज की रेसिपी है छठ महापर्व की ठेकुआ रेसिपी। इसे दो तरीके से बनाएंगे, एक गेहूं के आटे की और एक मैदे की, और चावल के आटे का लड्डू बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मैदे का ठेकुआ बनाएंगे, जिसके लिए 300 ग्राम मैदा लेंगे। और इसमें 150 ग्राम चीनी लेंगे। जितना मैदा लेंगे उसका आधा ही चीनी लेंगे। और इसमें 100 ग्राम लगभग घी डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने घी का यूज़ किया है, जिससे ठेकुआ खास्ता बनेगा बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमारा आटा तैयार करना है। अब इसमें जरा जरा पानी डालेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो सके, और ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे वरना ठेकुआ खास्ता नहीं बनेगा। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसके लिए मैंने सूखी नारियल, छुहाड़े और किशमिश का यूज़ किया है। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें हाथों से दबा दबा कर गोल शेप देंगे ताकि ये बिखरे नहीं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट शेप बना है। और डिजाइन देने के लिए मैंने बास्केट का यूज किया है। अगर आपके पास साँचा है तो आप साँचे का यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास साँचा नहीं है तो इसी तरह बास्केट से दबा दबा कर आप डिजाइन दे सकते हैं। देखिए कितना परफेक्टली डिजाइन आ गया है इस पे। अब इसी तरह सारे ठेकुए को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब मेरा ठेकुआ छनने को रेडी है। अब आटे का ठेकुआ बनाएंगे, जिसके लिए हमने 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, और इसमें उसका आधा मतलब 150 ग्राम चीनी डालेंगे। और 100 ग्राम घी डालेंगे। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए, आटा भी बनने लगा है। अब इसमें जरा जरा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और इनका मॉइस्चर भी बना रहे। इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे वरना ठेकुआ खास्ता नहीं बनेगा। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, ड्राई कोकोनट, छुहाड़े और किशमिश। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। हम लोग यहाँ दो शेप का ठेकुआ बना रहे हैं। ये पहला शेप है, इसे हाथों से दबा दबा कर गोल शेप देंगे ताकि ये बिखरे नहीं। ये देखिए, परफेक्टली गोल शेप बन रहा है। और इन्हें भी बास्केट में रखकर ऐसे इस तरह से दबाकर एक अच्छा डिज़ाइन दे देंगे। ये देखिए, इसी तरह से और ठेकुए तैयार करेंगे। अब चलते हैं दूसरी शेप की तरफ। दूसरी शेप में भी आटे को लेकर दबा दबा कर उसे थोड़ा लंबा शेप देंगे। ये देखिए, थोड़ा लंबा है। अब इन्हें भी बास्केट में रख कर ऐसे दबा कर डिजाइन देंगे। ये देखिए, ये ठेकुआ थोड़ा लंबा शेप में डिजाइन के साथ तैयार है। इसी तरह से बहुत सारे ठेकुए तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे दोनों शेप के ठेकुए तैयार हैं। अब चलते हैं चावल के आटे का लड्डू बनाने के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चावल का आटा लिया है, 200 ग्राम गुड़ लिया है। अब इन्हें मसल मसल कर इनके सारे लम्स और जो ढेले हैं उन्हें हटाएंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से चावल के आटे में मिला मिला कर इसने दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि गुड़ का कोई भी लम्स इसमें ना रह जाए। आप इन्हें जितना मसलेंगे आटे का लड्डू उतना ही टेस्टी बनेगा और उतना ही परफेक्ट बनेगा।
इसमें हम लोग 50 ml दूध देंगे, पानी का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल इसमें, और लगभग 50 ग्राम घी डालेंगे। अब इन्हें मिक्स करें। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा मिल्क ऊपर से ऐड कर सकते हैं, और इन्हें इस तरह से रगड़ रगड़ कर अच्छे से मिक्स करें। इन्हें थोड़ा सा आटा हाथ में लेकर प्रेस कर करके एक गोल शेप देकर लड्डू तैयार करें। ये देखिए, इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, सारा लड्डू बनकर हमारा तैयार है। हमारा चावल के आटे का लड्डू तैयार है, गेहूं के आटे का 2 शेप वाला ठेकुआ तैयार है, और मैदे का ठेकुआ भी तैयार है। तो चलिए अब सारे ठेकुए को फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल लिया। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही ठेकुए को डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई भी करेंगे। टेम्परेचर को हाई हीट नहीं करेंगे, वरना ये जल्दी से कलर चेंज हो जाएगा और अंदर तक पकेगा नहीं। और अगर टेम्परेचर को लो फ्लेम पर रखेंगे तो ये बिखर जाएगा और तेल अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही ठेकुए को छानेंगे, जिससे ये क्रिस्पी बनेगा। इसी तरह से सारे बैच के ठेकुए को आप फ्राई कर लेंगे, और अलट पलट कर दोनों तरफ अच्छे से कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ये देखिए, ठेकुआ छनकर तैयार है। अब इन्हें निकाल लेंगे। कितना क्रिस्पी और लाजवाब लग रहा है देखने में। हमारा ठेकुआ अंदर से बाहर से बिल्कुल खास्ता बना है, क्योंकि हम लोग इसमें पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं किए हैं। पानी को बस छिड़के हैं ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। अगर पानी ज़्यादा यूज़ करते तो ये इतना खास्ता नहीं बन पाता। दोनों तरफ से अलट पलट कर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए तैयार है। अब इसे एक एक करके निकाल लेंगे। ठेकुआ बनकर हमारा तैयार है। ये देखिए, तोड़कर दिखाते हैं कितना खास्ता और क्रिस्पी बना है। बिल्कुल परफेक्ट बिहारी स्टाइल ठेकुआ बनकर तैयार है। इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।